उत्तर प्रदेश, श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, केंद्रीय कृषि मंत्री, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगीगण, देश भर से आए वैज्ञानिकगण, किसान बंधु और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गंभीर और बहुत ही आवश्यक विषय पर मंथन के लिए यहाँ एकत्र आए हैं। मैंने अभी आप लोगों के प्रेजेंटेशन देखे, आपके विचार सुने, मैं आपको इस परिश्रम के लिए, इस मंथन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, कृषि एक ऐसा विषय है जिसने हजारों वर्षों पहले से हमारी सभ्यता को गढ़ा है, उसे बचाया है, उसे सशक्त किया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कृषिर धन्या कृषिर मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि, यानी कृषि संपत्ति और मेघा प्रदान करती है और कृषि ही मानव जीवन का आधार है। इसलिए जो विषय इतना पुराना है, जिस विषय पर भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धतियों ने पूरे विश्व को दिशा दिखाई है, खेती की तमाम तकनीकों से उसका परिचय करवाया है, उस विषय पर जब हम बात करते हैं तो इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों का ध्यान रखना आवश्यक है। साथियों, इतिहास में ऐसे अनेक वर्णन मिलते हैं जब विदेश से आए लोग भारत की कृषि पद्धतियों को देखकर हैरान रह गए। इतनी उन्नत व्यवस्था, इतनी उन्नत तकनीक, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हमारे कृषि ने पूरे विश्व को बहुत कुछ सिखाया। हमारे यहां गाग और भड्री जैसे किसान कभी भी हुए जिन्होंने खेती पर मौसम को लेकर बहुत सटीक कविताएं लिखी, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में ये सारा अनुभव, कृषि को लेकर के बनाई गई हमारी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के किसान ने अपना खून पसीना बहार कर खेती को फिर से संभाला। आजादी के बाद दाने दाने को तरस रहे देश को हमारे किसान ने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। पिछले वर्ष तो हमारे किसानों ने परिश्रम से खाद्यान्न और फल सब्जियों का उतना उत्पादन हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ। ये हमारे देश के किसानों का सामर्थ्य है कि सिर्फ एक साल में देश में दाल का उत्पादन लगभग 17 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 23 मिलियन टन हो गया है। स्वतंत्रता के बाद की इस यात्रा में एग्रीकल्चर सेक्टर का विस्तार तो हुआ, लेकिन किसान का अपना व्यक्तिगत विकास और सिकुड़ता चला गया। खेती से आमदनी दूसरे सेक्टरों की तुलना में कम हुई तो आने वाली पीढ़ियों ने खेत में हल चलाना छोड़कर शहर में छोटी मोटी नौकरी करना ज्यादा बेहतर समझा। समय ऐसा आया कि देश को फूड सिक्योरिटी देने वाले किसान की अपनी इनकम सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। ये स्थितियां आपको पता है, बल्कि संभवतः मुझसे भी शायद ज्यादा पता है, लेकिन मैं फिर भी इस स्थिति के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम पुरानी परिस्थितियों का एनालाइज करते हैं तभी नए रास्ते निकलते हैं, तभी नई अप्रोच के साथ काम करने का तरीका सूझता है, तभी पता चलता है कि क्या कुछ पहले हुआ जो अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया, जिसे भविष्य में सुधारे जाने की आवश्यकता है। यही एनालिसिस आधार बनी देश में किसानों की आय को दो गुना करने का लक्ष्य की, एक ऐसा लक्ष्य जिसकी प्राप्ति पुराने अप्रोच के साथ संभव नहीं था, एक ऐसा लक्ष्य जिसकी प्राप्ति के लिए पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की ओवरहॉलिंग की आवश्यकता थी। जब इस लक्ष्य को सामने रखकर छोटी छोटी समस्याओं को
सुलझाना शुरू किया तो धीरे धीरे इसका विस्तार एक बड़े कृषि आंदोलन में बदलता हुआ दिख रहा है। साथियों, हम सभी ने खेतों में देखा है कि कई बार जब बैल को लंबी रस्सी से खूंटे में बांध दिया जाता है तो वो गोल गोल घूमता रहता है। वो सोचता है कि वो चले जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसने खुद अपना दायरा बांध लिया होता है और वो खुद उसी में दौड़े जा रहता है। भारतीय कृषि को भी इसी तरह के बंधनों से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम सब पर है। किसान की उन्नति हो, किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए बीज से बाजार तक फैसले लिए जा रहे हैं। उत्पादन में आत्मनिर्भरता के इस दौर में पूरे इकोसिस्टम को किसानों के लिए हितकारी बनाने का काम किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के विषय पर बड़ी इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी, नीति आयोग, आप जैसे अनेक वैज्ञानिकों, किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेक होल्डरों के साथ गहन मंथन करके सरकार ने एक दिशा तय की है और उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इस बजट में किसानों को उनकी फसलों को उचित कीमत दिलाने के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया है और हमारे पाशा पटेल ने बड़े उत्साह के साथ उसका वर्णन भी किया। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी फसलों का कम से कम यानी लागत के ऊपर 50% यानी 1.5 गुना मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऐलान का पूरा लाभ किसानों को मिले इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। पुरानी जो कमियां है उसको दूर करना है, फुल प्रूफ व्यवस्था को विकसित करना है। भाई और बहनों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 4 अलग अलग स्तरों पर फोकस किया। पहला, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो। दूसरा, ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं जिससे उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले। तीसरा, खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों, फलों, सब्जियों की जो बर्बादी होती है उसे कैसे रोका जाए। और चौथा, ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हम व्यवस्था कर सके। हमारी सरकार ने सारे नीतिगत फैसले, सारे तकनीकी फैसले, सारे कानूनी फैसले इन्हीं 4 स्तरों पर आधारित रखे। ज्यादा से ज्यादा तकनीक को अपने फैसलों से जोड़ा और इसी का परिणाम है कि सकारात्मक नतीजे मिलने लगे हैं। जैसे अगर यूरिया की नीम कोटिंग की बात की जाए तो इस एक फैसले ने किसानों का खर्च काफी कम किया है। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की वजह से यूरिया की एफिशिएंसी बढ़ी है और ये सामने आ रहा है कि अब उतनी ही जमीन के लिए किसान को कम यूरिया डालना पड़ता है। कम यूरिया डालने की वजह से पैसे की बचत और ज्यादा पैदावार की वजह से अधिक कमाई। ये बदलाव यूरिया की नीम कोटिंग से आ रहा है। भाइयों और बहनों, अब तक देश में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा चुका है। सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से अनाज की पैदावार बढ़ रही है। किसानों को अब पहले से पता होता है कि मिट्टी में किस चीज की कमी है, किस तरह की खाद की आवश्यकता है। देश के 19 राज्यों में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करने की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में 8 से 10% की कमी आई और उत्पादन में 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन साथियों, सॉइल हेल्थ कार्ड का पूरा फायदा तभी मिल पाएगा जब हर किसान इस कार्ड से मिलने वाले लाभ को समझकर उसके हिसाब से अपनी खेती करे। यह तब संभव है जब इसका पूरा एक इकोसिस्टम
डेवलप हो जाए। मैं चाहूंगा कि सॉयल हेल्थ टेस्टिंग और उसके नतीजों के आधार पर किसान को फसल और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की सलाह के मॉड्यूल को हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में जोड़ा जाए। इस मॉड्यूल को स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ा जा सकता है। जो छात्र ये कोर्स पास करेंगे उन्हें एक विशेष सर्टिफिकेट देने पर भी विचार किया जा सकता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर छात्र अपनी सॉयल हेल्थ टेस्टिंग लैब गांव के अंदर खोल सकता है, उन्हें मुद्रा योजना के तहत लोन मिल सके, इस तरह की व्यवस्था के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। भविष्य में जब सारी लैब्स सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट होगी, सॉयल हेल्थ के आंकड़े सेंट्रल पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, तो वैज्ञानिकों और किसान दोनों को बहुत आसानी होगी। सॉयल हेल्थ कार्ड के इस सेंट्रल पूल से जानकारी लेकर हमारे कृषि वैज्ञानिक मिट्टी के सेहत, पानी की उपलब्धता और जलवायु के बारे में किसानों को उचित जानकारी दे सके, इस तरह का सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए। साथियों, हमारी सरकार ने देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन का तरीका बदला है। इसका उदाहरण है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके तहत दो अलग अलग एरिया पर एक साथ काम किया जा रहा है। फोकस देश में माइक्रो इरिगेशन को दायरा बढ़ाने और दूसरा एग्जिस्टिंग इरिगेशन नेटवर्क है उसे मजबूत करना। इसलिए सरकार ने तय किया कि दो दो तीन तीन दशकों से अटकी हुई देश की 99 सिंचाई परियोजनाओं को तय समय में पूरा कर लिया जाए। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। यह सरकार के निरंतर प्रयास का ही असर है कि इस साल के अंत तक लगभग 50 योजनाएं पूरी हो जाएगी और बाकी अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य है। मतलब जो काम 25-30 साल से अटका हुआ था वो हम 25-30 महीने में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी होती हर सिंचाई परियोजना देश के किसी न किसी हिस्से में किसान का खेती पर होने वाला खर्च कम कर रही है, पानी को लेकर उसकी चिंता कम कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को भी माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंश्योरेंस के क्या हालत थी इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। किसान अपनी फसल बीमा कराने जाता था तो उसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता था। फसल बीमा का दायरा भी बहुत छोटा सा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमारी सरकार ने न सिर्फ प्रीमियम कम किया बल्कि इंश्योरेंस का दायरा भी हमने बढ़ाया। साथियों, मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष इस योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि किसानों को दे दी गई है। अगर प्रति किसान या प्रति हेक्टर दी गई क्लेम राशि को देखा जाए तो ये पहले के मुकाबले दोगुनी हुई है। ये योजना कितने किसानों का जीवन बचा रही है, कितने परिवारों को बचा रही है, ये कभी हेडलाइन नहीं बनेगी, कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से हम जोड़ें। सरकार अब इस लक्ष्य के साथ काम कर रही है कि वर्ष 2018-19 में कम से कम 50% बोई गई फसल इस योजना के दायरे में हो। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया मार्केट आर्किटेक्चर विकसित कर रही है। किसानों का और ज्यादा भला तभी होगा जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर
चलते हुए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के फैसले ले, और इसलिए किसान हित से जुड़े हुए मॉडल एक्ट बनाकर राज्य सरकारों से उन्हें लागू करने का आग्रह किया गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और लाइफ स्टॉक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक्ट, लैंड लीज एक्ट हो, वेयर हाउसिंग गाइडलाइंस का सरलीकरण हो, ऐसे कितने कानूनी फैसलों के माध्यम से हमारी सरकार किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना ही होगा। खेत से निकल करके बाजार तक पहुंचने से पहले किसानों की उपज बर्बाद न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत काम किया जा रहा है। विशेष ध्यान एग्री लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूत करने पर है। ड्राई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउसेज के माध्यम से पूरी सप्लाई चेन को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस बजट में जिस ऑपरेशन ग्रीन्स का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। ये फल और सब्जियां पैदा करने वाले किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। जैसे देश में दूध के क्षेत्र में अमूल मॉडल बहुत कामयाब रहा, लाखों किसानों की आय बढ़ाने वाला रहा, वैसे ही ऑपरेशन ग्रीन्स भी टॉप यानी टमेटो, ओनियन और पोटेटो उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा। साथियों, रूरल रिटेल मार्केट्स या गांव की स्थानीय मंडियों का होलसेल मार्केट यानी एपीएमसी और फिर ग्लोबल मार्केट तक इंटीग्रेशन किया जाना ये बहुत ही आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि अंग्रेजों के समय एक कमीशन बना था, उसने भी यही सिफारिश की थी कि किसानों के लिए हर 5-6 किलोमीटर पर एक मार्केट होना चाहिए। 100 वर्ष पहले जो चीज सोची गई थी, अब उसे लागू करने का सौभाग्य मुझे मिला है। इस बजट में ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम की अवधारणा इसी का परिणाम है। इसके तहत देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर उन्हें एपीएमसी और इनेम प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से अपने खेत के 5-10-15 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर सकेगी। किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेगा। आने वाले दिनों में ये केंद्र किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के नए ऊर्जा केंद्र बनेंगे। इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ को बढ़ावा दे रही है। किसान अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर छोटे छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं। इस तरह के संगठनों का सदस्य बनकर वो थोक में खरीद पाएंगे, थोक में बिक्री कर पाएंगे और इस तरह अपनी आमदनी भी बढ़ा पाएंगे। इस बजट में सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटियों की तरह ही इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद के साथ ऑर्गेनिक, एरोमेटिक और हर्बल खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। साथियों, आज के समय की मांग है कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन के साथ साथ वाटर रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन और
ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन को भी हमें उसके साथ इंटीग्रेट करना होगा, उसके जोड़ना होगा। ये वो क्षेत्र हैं जो किसानों के लिए अतिरिक्त आय और आय के मुख्य स्रोत दोनों ही हो सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती, मधुमक्खी पालन, सीवीड की खेती, सोलर फार्म, ऐसे तमाम आधुनिक विकल्प भी हमारे किसानों के सामने हैं। आवश्यकता उन्हें ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की है। मेरा आग्रह होगा कि इनके बारे में और विशेषकर परंपरागत और ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मार्केट डिमांड, बड़े कस्टमर, सप्लाई चेन के बारे में किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी जानकारी मुहैया कराई जा सकती है। खेती के इन सब सेक्टर्स में काम करने वाले किसानों को कर्ज मिलने में और आसानी हो, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए की राशि से विशेषकर फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को ध्यान में रखते हुए 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित करने का ऐलान किया गया है। किसानों को अलग अलग संस्थाओं और बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए पिछले 3 वर्ष में कर्ज दी जाने वाली राशि 8.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अब इस बजट में 11 लाख करोड़ रुपए कर दी गई। किसानों को कर्ज के लिए राशि उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें समय पर लोन मिले और उचित राशि का लोन मिले। अक्सर देखा गया है कि छोटे किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटियों से कर्ज लेने में दिक्कत आती है, इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि वो देश की सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियों का कंप्यूटरीकरण करेगी। अगले 2 वर्ष में जब ऐसी 63,000 सोसाइटियों का कंप्यूटरीकरण पूरा होगा तो कर्ज देने की प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। जनधन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा भी किसान को कर्ज दिए जाने की राह आसान बनाई गई है। साथियों, जब मुझे बताया गया कि दशकों पहले एक कानून में बांस को पेड़ कह दिया गया और इसलिए उसे बिना मंजूरी काटा नहीं जा सकता, बिना मंजूरी उसे कहीं ले नहीं जा सकते, तो मैं हैरत में पड़ गया था। सभी को पता था कि बांस की कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या वैल्यू है, फर्नीचर बनाने में, हैंडीक्राफ्ट बनाने में, अगरबत्ती में, पतंग में, यानी माचिस में भी बांस का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे यहां बांस काटने की अनुमति लेने के लिए प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि किसान अपनी जमीन पर बांस लगाने से बचता था। इस कानून को हमने बदल दिया है। इस फैसले से बांस भी किसानों और एसएमएमई सेक्टर की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। एक और बदलाव की ओर हम बढ़ रहे हैं और यह बदलाव है एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़ा हुआ। साथियों, हमारे देश में इमारती लकड़ी का जितना उत्पादन होता है वो देश की आवश्यकता से बहुत कम है। सप्लाई और डिमांड का गैप इतना ज्यादा है कि हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करके लकड़ी बाहर से देशों से मंगवानी पड़ती है। देश की प्राकृतिक संपदा की रक्षा और पेड़ों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार अब मल्टीपर्पज ट्री स्पेसिस की प्लांटेशन पर जोर दे रही है। आप सोचिए, किसान को अपने खेत में ऐसे पेड़ लगाने की स्वतंत्रता हो जिससे वो 5 साल, 10 साल, 15 साल में अपनी आवश्यकता के अनुसार काट सके, उसका ट्रांसपोर्ट कर सके, तो उसकी आय में कितनी बढ़ोतरी होगी। हर मेड पर पेड़ का कंसेप्ट किसानों की बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करेगा और इससे देश के पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि देश के 22 राज्य इस नियम से जुड़े बदलावों को अपने यहां लागू कर चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सोलार एनर्जी का
ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी किसानों की आय बढ़ाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 साल में सरकार ने लगभग 3.25 लाख सोलर पंप किसानों के लिए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे डीजल पर होने वाले उनके खर्च की भी काफी बचत हुई है। अब सरकार किसानों को ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप देने की दिशा में बढ़ रही है, ताकि जो ज्यादा बिजली बने वो किसान को आर्थिक रूप से और मदद करें। साथियों, खेतों से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो भी आय का बहुत बड़ा माध्यम है। पहले इस दिशा में भी बहुत नहीं सोचा गया, लेकिन हमारी सरकार एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ बनाने पर भी काम कर रही है। यहां मौजूदा अधिकांश लोग ऐसी ही एक बर्बादी से भली भांति परिचित है। ये बर्बादी होती है, अरे कई विषयों पर हमार लगा सकते हैं। ये बर्बादी होती है केले के पेड़ की, केले की पत्तियों का काम आ जाती है, फल बिक जाते हैं, लेकिन उसका जो तना होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सुडोस्टेम कहते हैं, वो किसानों के लिए समस्या बन जाता है। कई बार किसानों को हजारों रुपए इन तनों को काटने या हटाने में खर्च करने पड़ जाते हैं। इसके बाद इन तनों को कहीं सड़क के किनारे ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जबकि यही तना इंडस्ट्रियल पेपर बनाने के काम में, फैब्रिक बनाने में काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में जब इस तरह की मुहिम जोर पकड़ रही है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ के लिए काम कर रही है, कॉयर वेस्ट हो, कोकोनट सेल्स हो, बाम्बू वेस्ट हो, फसल काटने के बाद खेत में बचा रिसोर्स हो, इन सभी की आमदनी बढ़ सकती है। इस बजट में सरकार ने गोबर धन योजना का ऐलान भी किया। यह योजना ग्रामीण स्वच्छता बढ़ाने के साथ ही गांव में निकलने वाले बायोवेस्ट से किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी। और भाइयों और बहनों, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बाय प्रोडक्ट से ही वेल्थ बन सकती है। जो मुख्य फसल है, मेन प्रोडक्ट है, कई बार उसका भी अलग इस्तेमाल किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है। जैसे गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन, हमारी सरकार ने इथेनॉल से जुड़ी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए अब पेट्रोल में इथेनॉल की 10% ब्लेंडिंग को स्वीकृति दे दी है। यानी चीनी से जुड़ी डिमांड पूरी करने के बाद जो गन्ना बचेगा वो इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे गन्ना किसानों की स्थिति बेहतर हुई है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से ऑपरेट करता है, हमारी सरकार उस व्यवस्था को बदल रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नए कल्चर की स्थापना की जा रही है। ये कल्चर हमारे सामर्थ्य, हमारे संसाधन, हमारे सपनों को न्याय देने वाला होगा। यही कल्चर 2022 तक संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को पूरा करेगा। जब देश के गांवों का उदय होगा, तभी भारत का भी उदय होगा। जब देश का किसान सशक्त होगा, तो देश अपने आप सशक्त हो जाएगा। और इसलिए, और आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखे हैं, यह हमारा पाशा पटेल को एक चीज शिकायत थी कि उसको 8 ही मिनट मिली, मैं उसको घंटे देता रहता हूं, उसको बहुत सुनता रहता हूं, लेकिन जो विचार मैंने सुने हैं ये सही है कि यहां कुछ ही समय में ये सारी बातें प्रस्तुत की गई है। लेकिन आपने जो मेहनत की है, इसके पूर्व जो आपने लोगों से संपर्क करके जानकारियां एकत्र की है, छोटे समूहों में यहां आने से पहले आपने उसका एनालिसिस किया है, एक प्रकार से काफी लोगों को जोड़ करके इसमें से कुछ न कुछ अमृत निकला है। आपकी मेहनत का एक पल भी बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा।
आपके सुझावों को भी इतनी ही गंभीरता से हर स्तर पर सरकार में जांचा परखा जाएगा। हो सकता है कुछ तत्काल हो पाए, कुछ बाद में हो पाए, लेकिन ये मेहनत करने के पीछे एक प्रामाणिक प्रयास रहा था कि जब तक हम सरकारी दायरे में सोचने के तरीके को बदलना है, किसान की मूलभूत बातों को समझना है, जो लोग धरती से जुड़े हुए हैं उनसे अगर हम जुड़ेंगे तो शायद हम ज्यादा व्यवहारिक चीजों को ले पाएंगे। और इसीलिए देश भर में ये प्रयास करके आप सब अनुभवी लोगों के साथ विचार विमर्श का ये प्रयास किया है। दूसरी बात है, मैं चाहूंगा कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। पहले तो भारत सरकार के सभी विभाग जो इससे संबंधित है उसके सभी अधिकारी यहां मौजूद है, संबंधित कई मंत्री भी यहां मौजूद है। इन सारे सुझावों पर नीति आयोग के नेतृत्व में एक मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, इनके साथ विचार विमर्श हो और एक्शनेबल पॉइंट कैसे निकाले जा सकते हैं, प्रायोरिटी कैसे तय हो, संसाधनों के कारण कोई काम अटकता नहीं है, ये मेरा विश्वास है। दूसरा, जैसे हम सब मानते हैं कि हमने परंपरागत परंपराओं से बाहर आना, हमें टेक्नोलॉजी और विज्ञान को स्वीकार करना होगा, और जिस विज्ञान ने बर्बादी लाई है उस विज्ञान से मुक्ति लेनी पड़ेगी। किसी समय जरूरी होगा, लेकिन अगर वो कालबा यह हो गया है तो उसको पकड़ करके चलने की जरूरत नहीं है, उसमें बाहर आने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए अलग से एफर्ट्स करने होंगे। मैं चाहूंगा जैसे स्टार्टअप्स का विषय आया है, ऐसी चीजों पर हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज उनमें इसी विषय पर फोकस करके कोई काम हो सकता है क्या? उसी प्रकार से यहाँ जितने सब्जेक्ट्स आए हैं, क्या एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के हम हैकेथॉन जैसे कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? और वे बैठ करके, पिछले दिनों मैंने गवर्नमेंट की कोई 400 समस्याओं को लेकर के हमारे देश के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आईआईटी के लिए एक हैकेथॉन का कार्यक्रम किया था और 50-60 हजार स्टूडेंट्स ने उसमें हिस्से लिया और नॉन स्टॉप 36-36 घंटे बैठ करके उन्होंने इस बात को चर्चा विमर्श की और सरकार को सुझाव दिए। उसमें से कई डिपार्टमेंट्स की समस्याओं का समाधान जो सरकार में सालों से नहीं होता था, इन हमारे नौजवानों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोसेस परफेक्ट करने में काम किया। मैं चाहूंगा कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैकेथॉन करें, उसी प्रकार से हमारी आईआईटीज हो या ट्रिपल आईआईटीज हो या हमारी लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वे क्या एक सप्ताह या एक दस दिन, आजकल हर कॉलेज रोबोटिक के लिए सप्ताह मनाती है, दो सप्ताह मनाती है, अच्छी बात है। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए एक वीक मनाते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, प्रयोग होते हैं, अच्छी चीज है। क्या हम हमारी आईआईटी, हमारे ट्रिपल आईटी या हमारे लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज देश भर में थीमेटिक रूप में उनको एग्री टेक के संबंध में 10 दिन का एक पूरा उत्सव मनाएं, सारे टेक्नोलॉजिकल ब्रेन मिलकर के भारत की आवश्यकता के अनुसार चर्चा करें, विचार विमर्श करें और उसमें कंपटीशन का हम प्रयास कर सकते हैं क्या, और फिर उनको आगे ले जाएं। उसी प्रकार से जो विषय मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड, अब आज देखिए हम ब्लड टेस्ट कराने के लिए लेबोरेटरी में जाते हैं, पैथोलॉजी लेबोरेटरी में। आज पैथोलॉजी लेबोरेटरी अपने आप में एक बड़ा व्यापक बिजनेस बन गया है, प्राइवेट पैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है, क्यों न गांव गांव हमारी सॉइल टेस्ट की लैब हो, ये संभव है। उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स की रचना हो हमारी यूनिवर्सिटीज में और उन लोगों के लिए मुद्रा योजना से पैसा मिले, उनको टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जाए, तो हर किसान को लगेगा कि भाई चलो भाई कुछ भी खेती में जाने से पहले हम कंप्लीट हमारा सॉइल टेस्ट करवा लें और हम उसका रिपोर्ट लें, हम गाइडेंस लें। हम ये व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं और इससे देश में अगर हम गाँव गाँव सॉइल टेस्टिंग लैब को बल देते हैं, लाखों ऐसे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है और वो ये केंद्र एक प्रकार से गांव की किसानी एक्टिविटी में एक साइंटिफिक टेम्परमेंट के लिए
बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बन सकता है, उस दिशा में हम काम करते हैं। पानी के संबंध में भी जैसे सॉइल टेस्ट की जरूरत है, पानी के टेस्ट भी उसी लैब में हम धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि किसान को इतनी तो उसकी तरीका क्या है, वो बीज जहां से लाता है जिंदगी भर उसी दुकान से बीज लाता है, उसको पता ही नहीं है। वो कहता है मैं पिछली बार कपड़े वाले पैकेट में ले गया था बीज, इस बार मुझे कपड़े वाला ही चाहिए, पॉलिथीन वाला नहीं चाहिए, इतना ही वो सोचता है और ले जाता है। उसको गाइड करने के लिए आज डिजिटली एनिमेशन के द्वारा उसको समझाया जा सकता है, जो उसके मोबाइल में आएगा। अगर उसको बीज खरीदने जा रहा है तो उसको बताया जाए इन छह चीजों को ध्यान रखो, फिर ही लो, तो वो सोचेगा, पूछेगा, 10 सवाल पूछना शुरू करेगा। हम कम्युनिकेशन में, हम गुजरात में और हिंदुस्तान में आज जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा मोबाइल फोन है, डिजिटली कनेक्टिविटी है। हम एनिमेशन के द्वारा किसान तक इन बातों को कैसे पहुंचा सके, इन सारे विषयों को अगर हम ले जा सकते हैं, मैं जरूर मानता हूं कि हम बहुत बड़ा बदलाव इससे ला सकते हैं। तो हम इन्हीं चीजों को लेकर के और जितने भी सुझाव, अब जैसे एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के विषय आया, अब जैसे हमारे यहाँ इन सारे विषय में कोई कानून नहीं है जैसा बताया गया, मैं जरूर चाहूंगा कि डिपार्टमेंट इसको देखें कि इस प्रकार के किस प्रकार के कानून की रचना हो, ताकि इन चीजों को बल भी मिले और जो बुराइयां हैं उस बुराइयों से मुक्ति भी मिले और एक स्टैंडर्डाइज व्यवस्थाएं विकसित हो। तो जितने सुझाव आए, और मेरे लिए भी एक्सपीरियंस बड़ा एजुकेटिव था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, इन विषयों में मेरी जानने की रुचि भी रही है, लेकिन आज बहुत एक बातें नई भी मेरे लिए थी, आपके लिए भी उपयोगी होगी, इवन हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए भी होगी, और जरूर मैं बात समझता हूं कि मंथन उपकारक होगा। क्या कभी ये जो हमारे प्रेजेंटेशन हमने तैयार किए और जो हमारे एक्चुअली फील्ड में काम करने वाले किसान है या जिनकी इस विषय में एक्सपर्टाइज है, राज्यों में जाकर के राज्यों से जुड़े हुए किसानों से मिलकर के वैसा ही 2 दिन का एक इवेंट हम वहां भी कर सकते हैं क्या, और वहां भी इसी के लाइन पर वो एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक प्रयोग एक राज्य में चलता है, वही प्रयोग हमारा देश इतना बड़ा है दूसरे राज्य में नहीं चलता है। एक मान्यता किसान के दिमाग में घर कर गई है, दूसरे राज्य में उसी विषय पर दूसरी मान्यता घर कर गई है, और इसलिए हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से कहें या स्टेट वाइज कहें, जो भी हमें ठीक लगे, हम उस दिशा में अगर इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो वह समझता हूं उपयोग होगा। तीसरा, इन सारे विषयों के ऊपर सभी यूनिवर्सिटी डिबेट कर सकती है क्या, एटलीस्ट फाइनल ईयर या लास्ट बट वन ईयर वहां के स्टूडेंट मिलकर के, जब तक हम मीटिंग ऑफ माइंड नहीं करते हैं, जो चिंतन चर्चा हम करते हैं वो नीचे तक हम उसी रूप में डाइल्यूजन और डाइवर्जन के बिना उसको नीचे नहीं ले जाते हैं, तब तक उसका परिणाम नहीं मिलता है। और इसलिए इसी चीज को आगे बढ़ाने का एक रोड मैप, जिसमें यूनिवर्सिटीज हो, जिसमें स्टेट हो और जिसमें एक्सपर्टाइज हो सकता है सारे विषय कुछ ऐसे स्थान पर उपयोगी नहीं होंगे कि जहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जरूरत है वहां कैसे हो। यहां एक बात विस्तार से हम नहीं कर पाए हैं और वो है वैल्यू एडिशन की। मैं समझता हूं कभी न कभी हमारे किसानों को वैल्यू एडिशन के, मेरा अपना अनुभव है, गुजरात में हमने जब ज्योति ग्राम योजना की थी, 24 घंटे बिजली हमारे देश में एक वो रिवोल्यूशनरी घटना मानी जाएगी कि 24 घंटे बिजली मिलना, तो हमने जब बिजली का लॉन्चिंग करते थे तो गांव वालों को इस बिजली का उपयोग क्या है, सिर्फ टीवी देखना है क्या, कि रात को उजाला हो इतना ही है, और उसमें से उनको जिंदगी में बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए वो समझाने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट भी उसके साथ ऑर्गेनाइज करते थे। गांधीनगर के पास एक गांव, वो मिर्ची की खेती करता था। अब हमारे देश का यह मुसीबत है, जब मिर्ची करेंगे तो सारे किसान मिर्ची कर देंगे तो दाम गिर जाता है, तो उस पूरे गांव की सारी मिर्ची बेचें तो पूरे गांव को 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होती नहीं थी, संभव ही नहीं थी। गांव वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई अब तो 24 घंटे बिजली मिलने वाली है, हम एक छोटी सी सोसाइटी बना ले, हम आगे बढ़ते हैं,
और तत्काल उन्होंने एक छोटी सोसाइटी बनाई, उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया, उन्होंने मिर्ची को लाल बनने तक उसकी सारी प्रोसेस की, फिर लाल मिर्ची का पाउडर बनाने के लिए वो प्रोसेसर्स ले आए, उसका पैकेजिंग किया। जो मिर्ची उनकी 3 लाख में जाने वाली थी, गांव का किसान मरने वाला था, 3-4 महीने का प्लानिंग किया, उतनी जो कमी रह गई रह गई, लेकिन 3-4 महीने के बाद वही मिर्ची 18 लाख रुपए की इनकम करके ले आई। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वैल्यू एडिशन के संबंध में भी हम किसानों को सहज रूप से बताएं। ये बात सही है कि दुनिया में जिस तेजी से यहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हुई, बहुत बड़ी बात है कि अब कोई तय करेगा कि कितना शॉर्टेस्ट रूट से आप लाए हो। अब भारत जैसा विशाल देश, वो एक कोने में पैदावार हुई वो पोर्ट तक जाकर के लेगा तो इतना ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा और फिर वो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम होगा दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं कि भारत की अगर दरी बढ़िया बिकती है तो कोई अंदर एक पूंछ लगा देगा कि तो चाइल्ड लेबर से हुई है, बस खत्म, दुनिया में व्यापार समाप्त। तो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, तो हमने कागजी कार्रवाई परफेक्ट करनी होगी, हमारे किसानों को समझाना होगा। और इन दिनों मुझे दुनिया के कई देशों के साथ इस बात के लिए लड़ना पड़ रहा है, उनसे जूझना पड़ रहा है कि भाई आपका ये नियम और हमारा किसान जो पैदा करता है, वो दोनों चीजें आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, उनके आधार गलत है। और उसी के कारण अब आपको मालूम है हमारा मैंगो दुनिया में जाए, इसके लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ी, हमें लेकिन हमारे किसानों को भी समझाना पड़ेगा। दुनिया में लॉबी अपना काम करती होगी, लेकिन हमारी जो प्रोसेस सिस्टम है पूरी, उसको हमें ग्लोबल में स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने एक बार लाल किले से कहा था, हमारा उत्पादन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, क्योंकि दुनिया के मेन स्टैंडर्ड बनने वाले हैं। हमने हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहें, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर्टिफाई करने के लिए अगर लैब और इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं करेंगे तो दुनिया में हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जाएगा नहीं। हमें अब आज देखिए एरोमेटिक, आज दुनिया में एरोमेटिक का बिजनेस ग्रोथ 40% मुझे बताया गया। अगर 40% ग्रोथ है, उसका पूरा आधार एग्रीकल्चर है। अगर एग्रीकल्चर उसका आधार है, तो हम एरोमेटिक वर्ल्ड के अंदर भारत जैसे देश में छोटे 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 लोगों को इतना रोजगार मिल सकता है कि हम एरोमेटिक वर्ल्ड के अंदर अपनी बहुत सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि फ्रेग्रेंस की दुनिया में, और भारत विविधताओं से भरा हुआ है, हम फ्रेग्रेंस की दुनिया में बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम नेचुरल चीजें दे सकते हैं। तो हम विश्व के मार्केट को ध्यान में रखते हुए हम भारत के किसानों को कैसे, मैं अभी इन दिनों गल्फ कंट्रीज के लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आपको किस क्वालिटी की चीजें खानी है, आप हमें सजेस्ट कीजिए। उस क्वालिटी की चीजें बनाने के लिए हम हमारे किसान तक टेक्नोलॉजी प्रोसेस सारा ले जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट आप उसके खेत से ही खरीदिए और आप ही अपने कोल्ड स्टोरेज बनाइए, अपने वेयरहाउसिंग बनाइए, आप ही अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खड़ी कीजिए और पूरे गल्फ का पेट भरने का काम मेरे देश के किसान कर सकते हैं। ये सारी बातें मेरी इन दिनों दुनिया भर के लोगों के साथ हो रही है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो मेहनत आपने की है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और मुझे, मैं जानता नहीं पहले क्या होता था, लेकिन मैंने अफसरों को पूछा कि उनको काफी जानकारी होती है, क्योंकि पहले वही करते थे, अब वही कर रहे हैं, तो मैंने उनको, वो मुझे कह रहे थे कि साहब ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार हुआ है कि जिसमें एकेडमिशियंस हैं, एग्रो इकोनॉमिक्स वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सब ने मिलकर के मंथन किया है और मंथन करने से पहले बहुत इनपुट लेकर के किया है। और मैं समझता हूं कि एक अच्छा दिशा में प्रयास है, और आप निराश मत होना कि मैं तो कह के आया था क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कोई चीज लागू होने में टाइम लगता हो,
इतनी बड़ी सरकार है, स्कूटर को मोड़ना है तो तुरंत मुड़ जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेन मोड़नी है तो कहां से जाकर के मोड़ना पड़ता है। तो कहां कहां चले गए हैं वहां से मुझे मोड़ करके लाना है, लेकिन आप लोगों के साथ मिलकर के लाना है और पूरे विश्वास से कहता हूं कि हम ला के रहेंगे। और इसलिए हम सभी मिलकर के भारतीय कृषि और उसका गौरव लौटाएं, भारतीय किसान की आय को बढ़ाने के लिए हम मिलकर के काम करें। और इस संकल्प को पूरा करना है कि 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है, वो एग्रो प्रोडक्ट से हो, एनिमल हस्बेंड्री से हो, वो स्वीट रिवॉल्यूशन से हो, वो ब्लू रिवॉल्यूशन से हो, जितने भी रास्ते किसानी से जुड़े हुए हैं उन सभी रास्तों से करते हुए करें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबके योगदान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।